टाटा करने का मूड, लाइट की वजह से कहीं कहीं पर आप सभी को कालापन नजर। सो फ्रेंड, आप सभी सोच रहे होंगे मेरा ड्रेस चेंज कैसे हो गया, क्योंकि रूही मेरे ऊपर टॉयलेट कर दी थी, मेरा ड्रेस पूरा गंदा हो चुका था, इसीलिए मैं ड्रेस चेंज करके फिर से आना पड़ा और बहुत ही लेट हो चुका है, खाना बनाने में भी लेट होगा। अब तो पूरा ड्रेस गंदा हो गया था, इसीलिए मैं चेंज करके आई हूँ। तब जल्दी जल्दी फटाफट एक ही दो सामान बस बचे और बाकी का सब सामान जहाँ सजाना था जमाना था वहाँ वहाँ मैं लगा दी हूँ और ये एक लास्ट बस बचा है। सो फ्रेंड्स, ये रहा टेडी बियर। मेरे हस्बैंड जी मुझे टेडी डे पे गिफ्ट किए थे, बहुत ही प्यारा टेडी है, छोटा सा है, कि प्यारी है ये गर्ल है, देखिए फ्रॉक पहनी है, लव लिखा है इसने, बहुत ही प्यारा लग रहा है। को दिए 2 साल इसको हो गया रखे हुए, मिष्टी रूही 1 साल की हो गई और जब रूही 2 साल या डेढ़ साल की थी सब मुझे गिफ्ट किए थे मेरे हस्बैंड जी। ये कितनी प्यारी टेडी, और मेरा सारा सामान देखिए सज चुका है, अब ये बस बचा है इसको कहाँ लगाऊँ मैं, इसको भी इसी में डाल देते हैं। ये मैं कहाँ लगा दी, और मेरा रोज़, और अब कितना प्यारा दिख रहा है मेरे कूलर ऊपर। हो गया सारा सामान जम चुका, और अब लास्ट कपड़ा और सामान सारा बिखरा हुआ था, वो सारा सामान और कपड़ा जम चुका है। फटाफट जल्दी से बिस्तर जमा लेते हैं, कवर लगा देते हैं, नया नया सब कुछ, अब तो चलते। आप सभी सोच रहे होंगे रूही और मिष्टी कहाँ गई, उन दोनों को मैं खिला पिला के सुला दी, सो गई है दोनों के दोनों। तभी तो अभी मैं अकेले काम जमा देती हूँ। ये देखिए पन्नी इसीलिए लगा है कि मिष्टी और रूही टॉयलेट करे तो हमारा बिस्तर गीला ना हो। तो अब चलते हैं, अरे तकिए में कवर लगा दी हूँ, ये देखिए, और ये तकिया बस बचा है इसमें भी लगा देती हूँ। ये बेड को बेड में चादर बिछाऊंगी, ये देखिए कितना प्यारा बस बना है, चादर बिछाते हैं। आप सभी हमारे को आपके बने रहिए। फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा बेडशीट कवर गिर चुका है, और कितना प्यारा लग रहा है तकिया का कवर। और हमारी कम्प्लीटली दिवाली की सफाई हो चुकी, तो चलिए आप सभी को मैं अपना रूम का टूर कराती हूँ। मेरे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अच्छा लगे तो और ना लगे तो। सही बात है, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और ना चाहे तो पूरा कूड़ा कचरा का खदान। तो हमारा रूम का दरवाजा है, ये पर्दा लगा हुआ है देख सकते हो आप सभी को, चलिए अंदर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा रूम, ये आप सभी अंदर आ चुके हैं हमारे रूम में। अंदर आते ही ये देखिए, ये जस्ट कूलर रखा हुआ है, और कूलर के ऊपर देखिए कितना प्यारा सामान रखा हुआ है। ये देखिए मुझे जितने भी सारे गिफ्ट मिले हैं ये सारे गिफ्ट यहाँ रखा हुआ है। फर्स्ट कूलर के बगल बड़ा वाला पंखा रखा हुआ है, छोटा सा टेबल है बैठने के, मिष्टी बेड में नहीं चढ़ पाती है इसीलिए मिष्टी के लिए छोटा वाला टेबल लगाया गया है, इसे चढ़ के फिर वो बेड में चढ़ती है। मिष्टी का बर्थडे था तो लेकिन बर्थडे खत्म हो गया, पूरा फुट के पूरा तोड़ फोड़ दी है, बर्थडे बस बाकी है, उसमें का कुछ कुछ का हवा भी निकल गया है, ऊपर पूरा सामान है। और चलिए अब चलते हैं हमारे सेकेंड छोटा वाला रूम में। ये देखिए हम आ गए हैं रूम में, और ये अंदर घुसते ही वॉल है, पर देखिए प्यारा सा मिरर लगा है जिसमें मैं देख के वीडियो बनाती हूँ, बहुत ही छोटा रूम है। ये मोबाइल चार्ज करने का चार्जिंग है, मिरर के जस्ट ऊपर में लाइट है ताकि फेस अच्छे से दिखे, मैं अच्छे से मेकअप कर पाऊँ, मेरे हस्बैंड जी का दिमाग है। ये हमारा पेटी पहले देखो कैसे दिख रहा था, और अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें ये देखिए कुछ कुछ सामान रखने का है, लेकिन अभी पूरा खाली है, मिष्टी पूरा गिरा देती है इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ, नाइट में मुंह धो के सोती हूँ, इसीलिए देखो कितना सुंदर साफ है। चेयर के जस्ट बगल में ये रहा हमारा छोटा सा सामान रखने का, तो ऊपर में मिष्टी के का पापा का कपड़ा है, नीचे में मिष्टी रूही और मेरा सामान है, ये मेरा साड़ी, ये बच्चे का कपड़ा मिष्टी रूही का, ये सब मिष्टी और रूही का ओढ़ने का चादर है छोटा छोटा और कतरी है। देखिए आपको ये छोटा सा रूम का भी टूर सहर करा दी हूँ मैं, हमारा रूम कैसा लगा आप सभी को देखिए। ये रहा हमारा पर्स, कहीं भी जाते हैं तो यही वाला पर्स लेके जाते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये हमारा सिलाई मशीन, हम 3 साल से मैं सिलाई नहीं की हूँ, क्योंकि मिष्टी के आ जाने के बाद तो मेरा सिलाई बिल्कुल बंद हो चुका है। कितना बढ़िया पहले ब्लाउज सिलती थी, अब तो पूरा भूल गई हूँ मैं। दिवाली की सफाई हो चुकी है पूरी, मैं आप सभी को हमारा रूम टूर भी करा दी, और साफ होने के बाद ये देखिए पूरा हमारा रूम भी दिखा दी कैसा है, तो आप सभी कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कैसा है।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और शेयर करिएगा। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रश्मि सॉर्ट ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये रानी सो रही है, छोटी वाली उठ गई, बड़ी वाली सो रही है और मैं सुबह से सफाई करने भिड़ी हूँ। चलिए आप सभी को दिखाती हूँ, मैं किचन का सफाई कर रही हूँ। मेरे रूम का तो सफाई पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब जा रही हूँ किचन का सफाई करने। तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ मेरा किचन कैसा है। हमारा किचन का सफाई, किचन का सारा बर्तन निकाल चुकी हूँ, आधा बर्तन धोने के लिए रखा है, धोने का सारा डिब्बा धो दी हूँ, जमाना बस बाकी है और बाकी का किचन का सामान उधर रखा हुआ है। ये देखिए अभी सब कुछ जमाना है, देखो कैसे दिख रहा है किचन, देखिए कितना सारा बर्तन और डिब्बा है, आधे ज़्यादा डिब्बा और बर्तन को धो चुकी हूँ और अब इसको जमाना बस बाकी। ये देखिए फ्रिज कितना गंदा है, अभी इसको साफ करना है। ये रहा बर्तन रखने का स्टैंड, देखिए कितना गंदा है, इसको भी पहले साफ करना है। देर इसमें बर्तन जमाएंगे, सारा बर्तन धुल गया, मैं आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पर जमाना है और यहाँ पर देखिए बोरा भिज गया, अब यहाँ पर डिब्बा बस और जमाना बाकी है। तो मैं सबको जमा के यहाँ रखने के बाद आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए देख सकते हो कितना सुंदर चमक रहा है। अब हम इसमें चलते हैं बर्तन रखने के लिए, पहले चलते हैं कि सारी थालियाँ प्लेट है इसको पहले जमा देते हैं हम लोग। हल्दी मिर्च नमक वाले डिब्बे जितने सारे भी है उसको जमाएंगे हम लोग यहाँ पर। इसमें चलते हैं सारे डिब्बे जमाने के लिए। इतना चमक रहा है कि मेरा चेहरा चमकने लगा, देखिए मेरा डिब्बा इसे जमाने लगा। हेलो फ्रेंड, आप सभी सोच रहे होंगे मैं कैसे नहा धो के आ गई हूँ इतनी अच्छी साड़ी पहन के। तो मुझे ज़ोर से भूख लगा था तो मैं चाय नाश्ता करके आई हूँ। मैं आप सभी को ब्लॉग नहीं दिखाई क्योंकि मेरा छोटा वाला बेबी रो रहा था तो उसको मैं दूध पिला रही थी इसीलिए मैं नहीं ली। तो अब आपको सभी को फाइनली दिखाती हूँ मेरा रूम, आई मीन मेरे किचन का सफाई हो रहा है। मम्मी का रूम है उधर, जस्ट रूम के अंदर घुसते ही फ्रिज, यहाँ पर खाना बन जाता है तो मैं रखती हूँ इंडक्शन, इस पर मैं खाना बनाती हूँ। यह पानी का बॉटल पीने वाला, इसे रगड़ रगड़ के धोई हूँ, आप सभी तो देखे ही हैं ये कितना गंदा दिख रहा था। दीवार अभी भी दिख रहा है लेकिन इसमें हम लोग पोस्टर चिपका देंगे कुछ भी तो फिर ये अच्छा दिखेगा, ताकि तेल का कुछ भी खाना वाना बनाए उसका छींटा इधर ना पड़े। और ये सिलेंडर तो इधर रखा हुआ है, ये वाला आटा का डिब्बा है, रहा हमारा यूज होने वाला सामान, ताकि यहाँ पर खाना बनाए तो तुरंत इधर से निकाले। बर्तन सामने का, इधर हमारा बर्तन टांगने वाला स्टैंड, कितना शाइनिंग कर रहा है और चमक रहा है, बहुत ही प्यारा। मेरा किचन सफाई हो चुका है, मेरे किचन का भी छोटा सा है मेरा किचन के नीचे कभी पूरा सफाई हो चुका है। लाइट की वजह से कहीं कहीं पर आप सभी को कालापन नज़र आ रहा होगा नीचे में, अंधेरा की वजह से ऐसा दिख रहा है। अभी हमारा स्टील का डिब्बा है, इसमें हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर रखा हुआ है और जो इधर प्लास्टिक का है या और कुछ कुछ वगैरह, बहुत सारा किचन में तो मसाला होता है तो बाकी का सामान इधर। और इधर देखिए मैं कितना प्यारा सजा दी हूँ। ये रहा नीचे में हमारा मिक्सी है और जो बड़ा बड़ा सामान था यूज़ करने वाला, जैसे दाल पकाने वाला, गंजी चावल पकाने वाला, ये सब स्टैंड के ऊपर नहीं रखा, गिर जाएगा करके मैं इसीलिए इसको नीचे में रख दी हूँ। तो ये फाइनली हमारा ये वाला भी साला का डिब्बा भी रेडी हो गया है, जम के कितना चमक रहा है, साइन कर रहे छोटा सा किचन। सो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। सुबह का साफ सफाई करते करते 12:30 बज चुका है और अब चलते हैं दोपहर का खाना बनाने। तो आज मैं बनाऊंगी दाल चावल और भिंडी का भुंजिया, मम्मी काट के रखी। मैं आपको फ्रिज भी दिखाती हूँ, फ्रिज नहीं दिखाई थी मैं आप सभी को, पूरा फ्रिज साफ हो गया है कितने अच्छे से। मम्मी सब्जी काट के कहाँ रखी है देखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं खाना बनाने के लिए और रूही सोई है, मैं आप सभी को मिलाती हूँ रूही से। सो के भी उठ गई फाइनली, थैंक गॉड कि मेरा सारा काम कम्प्लीट हो गया, तो पूरा हंगामा मचा के रख दी थी। तो चलते हैं अब खाना बनाएंगे और मेरी बिटिया रानी उठ गई है तो इसको भी फिर से दूध पियाएंगे, है ना बाबू। गुड मॉर्निंग रोहित, रोहित गुड मॉर्निंग,
चिपक रही है मम्मा से। क्या कर रही हो रे बापरे, क्या कर रही हो? बापरे फुल गुस्से में लग रही है। क्या कर रही हो रूही? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बोलिया रानी मेरा सोनू। मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरी गुड़िया रानी। गुड मॉर्निंग बेटा। इसकी बड़ी वाली बहन अपने दादा के पास है, दुकान में गई है अपने दादा के पास, है ना रूही? इसकी बड़ी बहन दुकान गई है अपने दादा के पास। माय फ्रेंड, यहीं पर अपना ब्लॉग एंडिंग करते हैं क्योंकि रूही उठ गई है और इसका रोना भी स्टार्ट हो गया है क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय करो रूही, टाटा कर दो तो। ओह माय गॉड, अभी टाटा करने का मूड नहीं आज के लिए, बस इतना ही। और ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे वीडियो को। बाय।